हाई नमस्ते सलाम व्हाट्सअप केम छो पीपल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PNJ व्लॉग्स। तो कभी ऐसी लाखों की बाइक्स देखी है, करोड़ों का इन्वेंट्री है ये पूरा जैसे कि आप देख रहे हो। और कहाँ पे आया हूँ मैं आया हूँ द बाइक शॉप रेसिंग, जो हमेशा से फेमस है अपने आप में सुपर बाइक्स के लिए और लाइक लेजेंडरी बाइक्स के लिए, लाइक क्लासी बाइक्स के लिए। आप देखो मतलब यहाँ पे कलेक्शन देखो, मतलब ये स्पोर्ट्स का कलेक्शन है पूरा, R1 डुकाटी S1000 RR, अपने आप में लीटर क्लास में सब अपने आप में ही कंपैरिजन रखा है। मतलब यहाँ R1 भी आ गए, S1000 RR भी आ गए, रेप्सोल देखो कितनी प्यारी लग रही है, फिर रेप्सोल में भी उसका, फिर आगे CBR है, Ninja 1000, डेटोना, मतलब काफ़ी सारी बाइक्स है। ये इंट्रो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए सीधा वीडियो से शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आज अपने को क्या क्या देखने मिलने वाला है यहाँ पे। एक बार सिर्फ झलक देख लो आप, दो पार्ट में बनेगा ये पूरा वीडियो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सब बाइक की डिटेल्स दिखाने से। सबसे पहले मैं आपको ऐसी बाइक दिखाने वाला हूँ जो अपने आप में लेजेंडरी है, अपने आप में क्लासी बाइक है। और ये बाइक का मतलब हालांकि है थोड़ी पुरानी, बट उसमें भी इतना, उसमें तभी भी टेक्नोलॉजी था, तभी भी इतने मोड्स थे कि कोई पूछो ही मत। तो वो है हमारी लेजेंडरी यामा YZF R1। आप देखो CBU यूनिट है, ABS 2014 का, ओनर फर्स्ट है, किलोमीटर सिर्फ 15,000 चली है। मतलब आप बाइक की कंडीशन देखो, वाइट कलर में, द बाइक शॉप रेसिंग जाना ही ये सब चीज़ के लिए जाता है। मतलब एक तो अलग अपने आप में ही सब कंपनी की बाइक रखते हैं और एकदम डिटेल में आप बाइक देखो, जैसे कि आपको भी मैं दिखा रहा हूँ, योशिमुरा के एग्जॉस्ट लगे हैं, किलोमीटर सिर्फ 15,000 चली है ये, पर आपको लगेगा नहीं किधर से भी, इंश्योरेंस इसका वैलिड रहने वाला है। नंबर भी देखो कितना प्यारा नंबर है, MH01BV9158। टायर की कंडीशन आप देखो, मैं आपको टायर की कंडीशन अभी दिखा रहा हूँ, कितनी प्यारे लग रहे हैं। मतलब आपको लेके ये बाइक को सिर्फ चलाना है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं इसमें, वाइट कलर की ये बाइक है, फुल्ली लोडेड, 3 मोड्स आते हैं इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, क्या कुछ नहीं आता, रॉ पावर एकदम। और आप देखो मतलब बाइक इतनी क्लीन और मिंट कंडीशन में, और प्राइस इसका सिर्फ 9.95 लाख है। मतलब इतनी अच्छी बाइक के लिए, और ये कैसी है, ये यामा R1 ऐसी कि ये जो आप सब बाइक्स देख रहे हो ना, इसका टफ कॉम्पिटिटर है और मार्केट में ये सब आपको बहुत ईजीली मिल जाएगी, बट ये यामा R1 बहुत रेयर है और कभी नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही रेयर है। और वाइट कलर जैसे कि आप देख रहे हो, एकदम क्लासी कलर दिख रहा है ये। फिर हम आ जाते हैं दूसरी एक हटके बाइक जिसको लोगों बहुत पसंद करते हैं आज के टाइम में, वो है डुकाटी पानी गाले 959, रेड कलर, प्यारा कलर। अब DRLs देखो पूरे, ये DRLs है जैसे कि आप पूरे देख रहे हो, पूरी LED हेडलैम्प्स वाला पूरा सेटअप आता है इसमें। टायर्स देखो, ये सेमी ट्रैक टायर्स है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, रेड कलर तो लाइक चेरी कलर दिख रहा है इसके पे। ओनर हालांकि ये सेकंड है, बट नॉट टू वरी, बाइक शॉप रेसिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप एग्जॉस्ट देखो कितना मस्त एग्जॉस्ट, मतलब उसमें 2 आउटफ्लो दिखा है एग्जॉस्ट में, और रेड कलर मतलब सुपर कलर दिख रहा है। डिटेल्स एक बार देख लो, ओनर सेकंड है जैसे मैंने बोला, सिर्फ 9,000 किलोमीटर चली है। सुपर बाइक्स ऐसे सब है ना चीज़ कि लोग लेते हैं, ज़्यादा चलाते ही नहीं है, तो आपको उसमें कोई ऐसा डरने की ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा चली हुई मिलेगी, कम चली हुई मिलेगी, सिर्फ 9,000 चली हुई है। इंश्योरेंस इस पर भी वैलिड रहने वाला है, मोस्ट ऑफ द बाइक्स में इंश्योरेंस वैलिड है। कैसा रहता है कि अपन जो सुपर बाइक्स लेते हैं उस पर अगर इंश्योरेंस नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, तो अपने को अलग से खर्चा करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। सब चीज़ मतलब वन स्टेप चीज़ है। मतलब यहाँ पे देखो, आपको हेलमेट्स भी मिल जाएंगे, आपको जैकेट्स भी मिल जाएंगे, आपको मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सुपर बाइक्स के लिए, एक्सेसरीज़ के लिए और सब चीज़ के लिए। आप जैसे कि कलेक्शन तो पूरा मैसिव देख ही रहे हो, देखो ये डुकाटी सिर्फ ऐसी नहीं है, पूरी लोडेड है इसमें, देखो लाइक विंग्स भी लगे हुए हैं प्यूक के। और हालांकि बाकी तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको लेके सिर्फ चलाना है, अपने आप में ही मस्त बाइक है ये। प्राइस इसका 11.70 है, 11,70,000, बट बाइक के लिए टोटली वर्थ इट है। रेड कलर में आप देखो बहुत ही प्यारी दिख रही है, और
बाद में आपको ऐसा रहेगा तो मैं एक या कोई दो बाइक का आवाज़ भी चालू करके सुनाऊंगा, मतलब एग्जॉस्ट नोट। फिर हम बात करते हैं ऐसी बाइक की जो मतलब अभी फुल मतलब फुल धमाल कर रही है, वो है BMW की दो बाइक S1000RR। एक है ब्लैक ग्रे कलर में, एक है उसका पेटेंट ब्लू और वाइट कलर में। पहले ब्लैक और ग्रे की बात करते हैं। अब पहले बाइक को देखो, पूरा बाइक को देखो, मतलब लॉन्ग कैन एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें एक्रा का। और मतलब हालांकि यहाँ पे तो अभी जैसे कि बहुत हमेशा से रहता है कि बाइक्स बाहर खड़ी रहती है पर आप देखो बाइक को प्रॉपरली एकदम मेंटेन जैसे कि शोरूम में रहते हैं वैसे ही रखा गया है, एकदम क्लीन नीट। आपको किधर भी एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं दिखेगा, ना ही कोई धूल मिट्टी कुछ भी दिखेगी। क्योंकि कस्टमर को फर्स्ट इंप्रेशन में बाइक समझ में आ जानी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, उसके लिए ही अपने इतना मेहनत करते हैं और उसी के लिए बाइक शॉप रेसिंग जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे S1000RR ये प्रो है, 2018 की, फर्स्ट ओनर, किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 9250 किलोमीटर चली है, 9000 मतलब अभी तक मैंने आपको बाइक्स दिखाई, हालांकि यामा दिखाई थी वो थोड़ी ईयर के हिसाब से चली थी, बट बाकी आप कोई भी बाइक देखो एकदम अभी तक दो तीन बाइक दिखाई है 10000 के नीचे ही चली है। प्राइस इसका 18.98 लाख है मेरे हिसाब से, मेरे को कोट मत करना, बट न्यू से न्यू बाइक आती थी ऑलमोस्ट 28-30 लाख तक जाती थी, बट यहाँ पे अपने को 18.98 लाख में आपको S1000RR फुल्ली लोडेड। यहाँ पे आपको एक भी बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आपको लेके किधर जाना है कि कुछ हो गया, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, सब चीज़ लगी हुई, आपको लेके सिर्फ राइड करना है। और इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ है बाइक की, ये वो वगैरह जो भी हो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप सिर्फ बाइक देख लो। फिर हमारे पास है S1000RR ब्लू कलर में, इसकी डिटेल्स मैं बता देता हूँ, 2018 की है, फर्स्ट ओनर, किलोमीटर्स की बात करूँ तो 22,300 किलोमीटर्स चली है और प्राइस थोड़ा अच्छे साइड पे है 17.25 लाख। इसमें भी शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो काफ़ी लाउड रहेगा। और ब्लू कलर में आप बाइक देखो, मैं तो अभी फील कर पा रहा हूँ बाइक को, इतनी स्मूथ, इतनी क्लीन और एकदम नीट कंडीशन में, मतलब बाइक की डिटेलिंग में ही अपन ने ना जीत जाते, बाइक को देख के ही अपन इतना खुश हो जाते हैं ना कि इसका कुछ बोलना नहीं है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप यहाँ पे सिर्फ एक बार आओ, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट नंबर प्ले हो रहा है, इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ पे है, सब चीज़ डिटेल्स मैंने आपको देके रखी है। आप यहाँ पे आओ, मैं जितना भी ट्राई कर रहा हूँ आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारी ऑफर्स है, बहुत लोन्स भी आपको मिल जाएगी, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, आपको सिर्फ यहाँ पे आना है उसके लिए। फिर हम आते हैं होंडा की, ऐसी नहीं, एकदम लेजेंडरी लीटर क्लास सुपर टॉप मशीन जो क्लीन नीट डिसेंट क्लासी लुक में मिलना बहुत मुश्किल है। ये है CBR फायर ब्लेड रेपसोल एडिशन। ये देखो, ये नॉर्मल फायर ब्लेड है, HRC जिसको हम कुछ भी बोले, बट ये है रेपसोल एडिशन, इसके लिए लोग दीवाने हैं। अब देखो मतलब कि कितनी क्लासी लुकिंग बाइक है, ये है जैसे कि मैंने बोला होंडा की रेपसोल, ये ऐसे वैसे नहीं मिलती आपके लिए, आपको है ना इसके लिए मतलब समझो बोलो कि बहुत अच्छी पहचान चाहिए ये बाइक अच्छे से मिलने के लिए, क्लीन मिलने के लिए। बट आपको द बाइक शॉप रेसिंग में सबको एज इन एक ही साथ ट्रीट किया जाता है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो सीट पे भी काउल लगा हुआ है, रेपसोल HRC लिखा हुआ है, एग्जॉस्ट भी देखो SC का शॉर्ट कैन लगा हुआ है, ऑरेंज कलर 93 जैसे कि लिखा है रेपसोल। आप सिर्फ देखो मतलब एक नंबर दिख रही है बाइक, सच्ची बोलता हूँ। डिटेल्स की बात करें 2017 जैसे कि मैंने आपको बोला होंडा CBR रेपसोल एडिशन सिंगल ओनर है, किलोमीटर्स की बात करूँ तो सिर्फ 8300 किलोमीटर्स चली है, इंश्योरेंस इसका वैलिड नहीं है, वो आप करवा लेना, बट आपको बाइक बहुत सुपर मिल रही है, मैं आपको उसकी गारंटी देता हूँ। प्राइस सिर्फ 12.50 लाख, आप सोचो 12.5 लाख में आपको रेपसोल मिल रही है, मतलब आप देखो डिटेलिंग पे देखो, मैं आपको अभी एक बार देखो इसका मीटर देखो आपको दिखा रहा हूँ, इस किल स्विच के बटन्स देखो, पूरा टैंक साइड का देखो रेपसोल लिखा हुआ है, और इधर से भी देखो बाइक की डिटेल देखो, मतलब मैं आपको बाइक इसके लिए इतने अच्छे से और दिखा क्लोज से बता रहा हूँ ना कि आपको समझे कि बाइक में अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने को लेके सिर्फ चलाने। यहाँ पे देखो ग्रिप भी पड़ा, यहाँ पे देखो अपने को टैंक के साइड ग्रिप भी है, टैंक के ऊपर टैंक भी ग्रिप है, तो अपने को कुछ भी एक्स्ट्रा कराने का इसमें ज़रूरत नहीं, अपने को लेके सिर्फ चलाना है। आप जैसे कि देख रहे हो रेपसोल CBR फायर ब्लेड, तो प्राइस तो मैंने आपको बता दिया 12.50 लाख में आप ये बाइक अपनी बना सकते हो। उसी के साथ हम दूसरी बाइक की बात करें तो ये है होंडा की
CBR 1000RR, ये भी फायर ब्लेड है, ये भी फायर ब्लेड है, फ़र्क वो रैप्सॉल है, ये नॉर्मल वाली फायर ब्लेड है, ये CBR 1000RR है, रेड कलर, चेरी कलर, ईयर 2018, ओनर फर्स्ट बाइक। देखो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ बाइक के बारे में, मतलब एकदम सुपर बाइक दिख रही है, सच्ची बोलूँ ना तो मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है ये बाइक। मैं आपको मेरा फेस नहीं दिखा के बाइक ज़्यादा इसके लिए दिखा रहा हूँ कि आपको बाइक समझे, बाइक पे आप फोकस करो और आपको बाइक देखने में ही मज़ा आ जाए। देखो ब्रैम्बो के कैलिबर्स लगे हुए हैं, गोल्डन रिम्स, हेडलाइट देखो, मतलब इसका हेडलाइट देखो क्या एग्रेसिव लुक में दिख रहा है, सेम एज इन डुकाटी। किलोमीटर्स 19,000 चली है, बट गाइज मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, होंडा की ये जितनी भी आप यहाँ पे बाइक्स देख रहे हो, होंडा सबसे रिलायबल है ये सब में, मतलब ये सब बाइक्स अपने अपने आप में ही अच्छी है, कंपनीज अपने आप में ही सब अच्छी है, होंडा सबसे रिलायबल है और होंडा को चलाने में भी उतना ही मज़ा आता है। जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, बाप रे, होंडा का स्क्रीन, बटन्स देखो यहाँ पे, बाप रे, सुपर सुपर। तो किलोमीटर्स 19,760 चली है, इंश्योरेंस इसका वैलिड है और प्राइस की मैं बात करूँ तो 18 लाख में आपको ये बाइक मिल जाएगी, 25-28 इससे आसपास, उसके ऊपर ही जाती है बाइक, रेड कलर में। आप सिर्फ बाइक को देखो गाइस, क्या बाइक लग रही है, 18 लाख की ये है। फिर अपने को फायर ब्लेड 12.50 लैक्स की बता दी मैंने, S1000RR 17 लैक्स की, और वैसे वैसे बहुत सारी बाइक्स है। यहाँ पे हम निंजा 1000 की बात कर लेते हैं साथ में। फिर हमारे पास है ऐसी बाइक जो लीडर क्लास तो है ये सबकी तरह, जो स्पोर्ट्स भी है सबकी तरह, बट ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, इसको हम स्पोर्ट्स टूरर भी बोल सकते हैं, इसको हम लाइक आराम वाली बाइक भी बोल सकते हैं, बट हाँ पावरफुल तो अपने सेगमेंट में ही, लाउड भी अपने सेगमेंट में है, बेजी एग्जॉस्ट है, मतलब इसमें जैसे कि ये सब बाइक में 4:1 वाला सिस्टम आता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जॉस्ट दिखा, देखो सब में 4:1 आता है, बट इसमें 2:2 आता है, 2 सिलेंडर ये तरफ से, 2 सिलेंडर वो तरफ से, और एक्रा के इसमें भी एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। निंजा 1000 ये बाइक है, ब्लैक कलर, कावासाकी के ही कैलिबर्स आते हैं, इन हाउस 2019 की है, ओनर सिर्फ सेकेंड है, 9200 किलोमीटर्स चली है, तो आप देख लो कि क्या किसने फर्स्ट ओनर ने चलाई, क्या सेकेंड ओनर ने चलाई है। ये सब बाइक ज़्यादा चलती नहीं है, लेके सिर्फ ओनर जोड़ा चलाते हैं, फिर मन भर जाता है तो बेच देते हैं। बाइक शॉप रेसिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और ये निंजा 1000 सिर्फ बाइक नहीं है, नंबर देखो इसका MH43BS सिंगल नंबर 1, नंबर का ही प्राइस आप सोच लो कि कितना रहेगा, तो बाइक का तो मैं क्या बताऊँ। बाइक देखो डिटेल में आपको बाइक दिखा रहा हूँ मैं अभी, किलोमीटर जैसे कि सिर्फ 9200 किलोमीटर चली है, 13-14 लाख इसका प्राइस है कावासाकी में, और यहाँ पे आपको ये सिर्फ 8,40,000 में मिल जाएगी। ये है निंजा 1000 कावासाकी की तरफ से। अब देखो कितनी भारी बाइक लग रही है, कितनी स्पोर्टी भी दिख रही है, बट ये ना कंफर्ट वाली बाइक है, ये ना क्लासी लुक्स वाली बाइक है, मतलब इसको आप सिर्फ चलाओ आपको मज़ा आ जाएगा, आपको ना ही पीठ दर्द होगा ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। इसमें देखो विंडशील्ड भी इतना बड़ा है कि आप टूरिंग के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने को ये भी मिल जाएगी निंजा 1000 2019 की सेकेंड ओनर, किलोमीटर सिर्फ 9000 है और प्राइस इसका 8.40 लाख, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आपने लाइन में इतनी सारी बाइक्स देखी, जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हो, मतलब मैंने आपको और सब ऑलमोस्ट सब लेटर क्लास बाइक दिखाई, रेप्सॉल बोलो, S1000RR बोलो, डुकाटी बोलो, फैबलेट बोलो, निंजा 1000 बोलो, हालांकि ये तो स्पोर्ट्स टूरर, इसको क्रूजर्स भी बोल सकते हैं, बट अभी मैं आपको ऐसी बाइक दिखाने वाला हूँ ना जो अपने आप में ही मतलब अलग बाइक है। ये बाइक क्लीन मिलना बहुत मुश्किल है, वो है ट्रायम की डेटोना 675R, ब्लैक कलर, ब्रैम्बू के कैलिबर्स। ये 675cc की बाइक है, बट इसका इनवॉइस ऑलमोस्ट 14-15 लाख तक जाता है, मतलब आप सोचो 700cc भी पूरा नहीं है, वो बाइक 14-15 लाख की नहीं मिल रही थी, अभी तो डिसकंटिन्यू हो गई है ट्रायम से, बट पहले उतने की नहीं मिलती थी। लोडिंग्स देखो, SC का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, SC प्रोजेक्ट, 3 सिलेंडर ये बाइक है, मतलब आप सोचो कितनी लाउड रहेगी, बेजी रहेगी और पावरफुल तो पूछो ही मत। ABS आता है इसमें। बाइक की डिटेल्स की बात के लिए पहले आप बाइक देखो, मतलब ब्लैक कलर में तो बहुत ही शानदार दिख रही है, 2016 की है, सेकेंड ओनर, 15,500 किलोमीटर्स चली हुई ये बाइक है और 8.95 लाख इसका प्राइस है। डेटोना क्लीन मिलना बहुत मुश्किल है, उसमें से यहाँ पे ब्लैक खड़ी है, ब्लैक मतलब बाइक ही इसके लुक ही अलग है, रिच फीलिंग वाली एकदम बाइक है, अब जैसे कि देख सकते हो, तो बाइक के बारे में क्या ही बोलना मुझे।